नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में कौवा देखने की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो जैसे सपने में कौवा देखना, सपने में मरा हुआ कौवा देखना, सपने में उड़ते हुए कौवा देखना और सपने में बहुत सारे कौवों को देखना। तो कौवों के बारे में जानकारी पाने से पहले आप सभी मित्रों से वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ लाइक सब्सक्राइब ही हमारे प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। चलो बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में कौवा को देखता है, कहीं बैठा हुआ देखता है, चाहे पेड़ पे, चाहे घर पे, चाहे ज़मीन पे कहीं बैठा हुआ देखता है, तो इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई रोग आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में मरा हुआ कौवा देखता है तो यह एक शुभ सपना है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि उसे आने वाले समय में जो उसकी बीमारी है वो दूर हो जाएगी, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखता है कि वह उड़ते हुए कौवे को देख रहा है तो यह एक बुरा सपना है, या इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में उसको कहीं ना कहीं से यह समाचार मिलेगा कि उसके सगा संबंधी में या परिवार में उसे कोई बीमारी हुई है, वह परेशानी में घिरा हुआ है या उस किसी प्रकार से वह कष्ट में है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में बहुत सारे कौवे को देखता है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में उसके परिवार में छोटी मोटी बहुत सारी परेशानियां आएंगी या उसके सगा संबंधियों से उसे परेशानियां मिलेंगी। तो ऐसे और भी सपनों के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नव दुर्गा ज्योतिष पर जाकर सर्च कर जान सकते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।